आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विजुअल कंपोजर के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विजुअल कंपोजर के अबाउट, जो जिसको हम डब्ल्यू पी बेकरी भी बोलते हैं, डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर। तो ये पेज बिल्डर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर आप एक कोडर हैं और आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट वो आती हैं और आप उनको वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो तब ये वाला बिल्डर आपके लिए सबसे बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप एक न्यू भी हैं और आप कोडिंग को ज़्यादा टच नहीं करना चाह रहे और उसके अलावा सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप पे रिलाई करना चाह रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर भी है, लेकिन बहुत ही कम्प्लेक्स, इसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। लेकिन सम टाइम आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ जाती हैं ऑलरेडी प्री बिल्ड, जिनके अंदर क्लाइंट आपसे मांग रहा होता है कि इनके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरफेस का पता हो, इस वजह से मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो चले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आज हम एक ऐसा थीम डाउनलोड करते हैं जो कि डब्ल्यू पी बेकरी या विजुअल कंपोजर पे बेस कर रहा हो। उसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसका बिल्डर देखेंगे, उसका बिल्डर का इंटरफेस देखेंगे कि किस तरह से उसके बिल्डर का इंटरफेस है। तो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं इन्वर्टो एलिमेंट्स पे। यहाँ पे हम आ जाएंगे, लेट्स से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पे थीम्स के अंदर आ जाता हूँ। और इसकी कोई मतलब प्लगइन्स भी इसके साथ कुछ ज़्यादा कंपैटिबल होते नहीं हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पे ये देखिए डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर तो या विजुअल कंपोजर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डब्ल्यू पी बेकरी, चले मान लें विजुअल कंपोजर पे भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो इन दोनों के थीम्स हमारे सामने आ जाएंगे। कोई एक थीम हम डाउनलोड करेंगे और उसको हम इंस्टॉल करके देखेंगे कि किस तरह से उसका जो है बिल्डर है। लेट्स से मैं ये वाला सिंपल सा डाउनलोड कर लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी पेड बिल्डर है, आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इसको यूज़ करना अगर आप एक न्यू भी हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये थीम डाउनलोड हो चुका है, हम क्या कर लेते हैं इसको अनजिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। मैं आ जाता हूँ थीम्स के अंदर, यहाँ पे अपलोड थीम, इसको मैं यहाँ से उठा के लेट्स से, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन थीम मौजूद है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप किया, इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसका हम डेमो डाटा इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ जो प्लगइन्स आएंगे वो, इसके साथ जो मेजरली बिल्डर आएगा वो विजुअल कंपोजर होगा, राइट। तो उसको फिर हम एडिट करने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम जो है उस बिल्डर को यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ प्लगइन्स ये डिमांड कर रहे हैं, हमने सिंपल उनको इंस्टॉल कर देना है और मैं यहाँ पे इनको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, वन स्टेप बैक चलता हूँ मैं और मैं इन सब को एक्टिवेट कर देता हूँ। इस तरह से हमने डेमो डाटा पिछली क्लास के अंदर भी देखा था कि किस तरह से आप डेमो डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं। एक थीम मैंने लिया था एलिमेंटर बेस्ड और उनके अंदर मैंने आपको डेमो डाटा इंस्टॉल करके दिखाया था, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको अगर रिलोड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, जितने प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ ज़रा मेन के ऊपर और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये हमारे पास डब्ल्यू पी बेकरी बिल्डर रहा, राइट। तो मैं इसका जो है डेमो डाटा इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास सिंपल ये ऑप्शन इंपोर्ट डेमो डाटा, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट कंटिन्यू एंड इंपोर्ट।
तो इनके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज भी आते हैं, कभी कभी डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं भी होता और कभी कभी हो भी जाता है, तो मुझे काफ़ी सारे इश्यूज इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो मैं इसको नहीं यूज़ करता। और इसके अंदर जो है बाकी प्लगइन्स की कंपैटिबिलिटी भी नहीं आती, हम हेडर और फुटर बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कोड करना पड़ता है, जबकि एलिमेंटर के अंदर और डीवी के केस में ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता। विजुअली हम हेडर फुटर और सब चीज़ें डिज़ाइन कर पा रहे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलती है। तो मैं ये इसको सिंपल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तब तक हम अपनी वेबसाइट को ज़रा फ्रंट एंड से देखते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारी वेबसाइट पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे राइट नाउ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमने थीम इंस्टॉल किया है क्योंकि डेमो डाटा अभी यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और तब तक वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है कि हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा डब्ल्यू पी बेकरी बिल्डर। तो आपको इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत कोई है नहीं, आप नॉर्मली जिस थीम के साथ भी आ रहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है, मैं चलता हूँ पेजेस के अंदर और हम क्या करते हैं वैसे ही एक नॉर्मल पेज बना के उस पर ज़रा स्क्रैच से देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और यहाँ पे सेम अभी भी ऑप्शन आएगा विजुअल बिल्डर का ही, जिस तरह से एडिट विद एलिमेंटर आ रहा था, एडिट विद डीवी आ रहा था, डीवी बिल्डर। तो यहाँ पे देखें मैं इसको, यहाँ पे ऑप्शन है डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर होम, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और लेट से मैं इसको एडिट विद डब्ल्यू पी बेकरी करता हूँ, तब तक ये भी हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ बैकेंड। अब यहाँ पे देखें यहीं पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्रंट एंड पे भी विजुअली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें मैं एक टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है तो, मतलब इसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। तो मैं सिंपल यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। देखें सिमिलरली सेम वही ऑप्शन है, जो भी कुछ भी हमने यहाँ से लेना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेट्स से मुझे चाहिए एक टेक्स्ट ब्लॉक, तो ये देखें इसकी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो गई, पर बहुत ही लिमिटेड सी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जनरल और ऑप्शन, दैट्स ऑल, इतनी सी सेटिंग्स हैं, कोई ज़्यादा एडवांस है नहीं, और यहाँ पे कुछ बेसिक्स ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा। इसको फ्रंट एंड पे अगर आपने करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, व्यू करेंगे, ओके, ये हमारे पास व्यू आ गया। इसको मैं ज़रा इस तरह से ओपन करके व्यू करता हूँ इसी पेज को। अगेन इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट करूँगा, और यहाँ पे देखें अगेन ऑप्शन आ गया डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर। अगेन यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लासिक मोड पे मैं जाना चाहूँ तो मैं क्लासिक मोड पे चला जा सकता हूँ, जो कि नॉर्मल एडिटर है। मैं अगर इस बेकरी को यूज़ करते हुए एडिट करना चाहूँ तो इससे एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे इसका फ्रंट एंड जो है वो शो नहीं हो रहा, जब विजुअल कंपोजर आएगा उसके अंदर सेम ऑप्शंस होंगे लेकिन फ्रंट एंड पे आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन वो भी सेम इसी तरह के लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डेमो डाटा इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। बेसिकली मैंने इसको इंस्टॉल करके पेज एडिट करके आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर किस किस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ से आप कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे फिर मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एक बटन ऐड करना है, फिर उस बस बटन की सेटिंग्स जो है इस तरह से हमारे पास पॉपअप के अंदर आ जाएंगी। उस बटन को हमने स्टाइल क्या देना है, ठीक है, वो मैं जैसे इसको 3D कर देता हूँ और सेव करके अपडेट कर देता हूँ। ये सेव हो गया, अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए डिज़ाइन करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इस पर्पज़ के लिए बताया कि अगर आपके सामने ऐसी कोई वेबसाइट आ जाए तो आप उसको एटलीस्ट एडिट कर पाएँ, देख पाएँ बेसिक, आप उसे घबराएं ना कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ हो गई। यहाँ पे देखें ये हमारे पास बटन आ गया। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हुए, इसका कंपोनेंट को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट। एंड इट्स अ लिमिटेड एडिशन, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हैं, ज़्यादा वास्ट ऑप्शंस नहीं है जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और थोड़ा सा कोड से दूर रहना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डीवी और एलिमेंटर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।